क्रिमिया को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ चल रहे तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि अगर ये देश के राष्ट्र हित में रहा तो रूसी नौसेना शत्रुओं को लक्ष्यों पर अनिवार्य रूप से हमला करने के लिए तैयार है। तनाव के बीच ही रूस ने अपने आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। पुतिन ने रूसी नौसेना दिवस पर सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक विशाल परेड में कहा कि हम पानी के अंदर, पानी के ऊपर और हवा में उड़ रहे दुश्मनों की पहचान करने में सक्षम हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक अनिवार्य हमला भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के नए हथियारों को अपराजय करार दिया है। कुछ दिनों पहले ही क्रिमिया प्रायद्वीप के पास ब्रिटेन के द्वारा युद्धपोत भेजने पर रूस ने अपने लड़ाकू विमान भेज दिए थे, जिससे तनाव भी काफी बढ़ गए थे। इस दौरान रूस ने ब्रिटेन युद्धपोत के पास बम बरसाए थे। पुतिन ने कहा था कि रूसी नौसेना के पास आज वो हर चीज है जिसकी उसे अपने देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरत है। हालांकि ब्रिटेन सरकार ने रूस के बम गिराने के दावे का खंडन किया है। पुतिन ने इस घटना के बाद पिछले महीने कहा था कि रूस ब्रिटिश युद्धपोत को डुबो सकता है जो अवैध रूप से उसके क्षेत्रीय जल सीमा में घुस रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अमेरिका इस तनाव को भड़का रहा है। पुतिन ने रविवार को कहा कि रूस ने दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से अपनी जगह बनाई है, रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जिसकी अभी तक दुनिया में तोड़ नहीं है। खैर, अब कई देश अब इस मिसाइल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रूस के पास अभी परमाणु हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ पर आपको बता दें कि रूस ने परेड के दौरान अपनी ताकत का बखूबी प्रदर्शन किया था। सेंट पीटर्सबर्ग में हुए इस परेड में 50 जहाजों और 4000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। परेड में डिस्ट्रॉयर नौसेनाएं और लड़ाकू जहाज तो थे ही, साथ ही साथ प्रिंस व्लादिमीर पनडुब्बी भी थी जिसे पहली बार परेड में शामिल किया गया था। परमाणु हमला करने में सक्षम यह पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइलों में से सुसज्जित है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।